मेरे लिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक ही तो होते हैं. ओके, फॉर मी क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में एक ह्यूज डिफरेंस है. रीजन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अर्थ के टेम्परेचर में एक बढ़ोतरी होना, और जो क्लाइमेटिक चेंज है इज कि जो उस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स होते हैं, यू कैन साइड इफेक्ट्स लाइक ग्लेशियर्स का पिघलना, वाटर लेवल का राइज होना, या फिर रेन थंडर स्टॉर्म्स वगैरह होना, दैट इज क्लाइमेटिक चेंज. क्लाइमेटिक चेंज मम्मी है ग्लोबल वार्मिंग की. जो दोनों चीज़ें हैं क्लाइमेटिक, और मेरे हिसाब से दोनों इंटरलेटेड हैं. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्लाइमेटिक चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं, वरना एक नॉर्मल पेस चलता था पहले क्लाइमेट्स का कि ये सीज़न है, ये सीज़न इस चीज़ का, ये सीज़न इस चीज़ का. बट अब यू नेवर नो किस सीज़न में क्या हो जाए. जैसे अभी जो बारिश हो रही है, इस बारिश का तो ये मतलब है कि सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, बट लेकिन इससे बढ़ रही है. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. मेरे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट होता है, और ओजोन लेयर डिप्लीट होती है. ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक नहीं होते.